वालेकुम। आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो यही है कि काफ़ी लोग कहते हैं कि हम रिटर्न फाइल करते हैं उसमें प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या दिखाएं। प्रॉपर्टी की वैल्यू कुछ लोग अपनी मर्ज़ी से दिखा देते हैं, मार्केट वैल्यू चल रही है 1 करोड़ रुपये, लेकिन लॉजिकली देखा जाए तो क्या वो 1 करोड़ रुपये की प्रॉपर्टी है? और अगर मार्केट वैल्यू चल रही है 2 करोड़ रुपये, क्या वो 2 करोड़ की वैल्यू की है प्रॉपर्टी? तो इसमें आपके पास रेट्स अवेलेबल होते हैं और उन रेट्स में से FBR के अपने रेट्स भी हैं, तो बेहतर है कि हम प्रॉपर्टी कैलकुलेट उन रेट्स पे करें जो कि लॉजिकल भी हैं और काफ़ी हद तक टैक्सेस भी उसी पर पे किए जाते हैं विथ होल्डिंग से प्रॉपर्टी खरीदते बेचते हैं। तो मतलब FBR उन रेट्स को मानते हैं, ना कि ओवर हाई मार्केट रेट्स को जो कि आज हैं तो कल नहीं हैं, किसी स्टेट एजेंट के थ्रू बने हुए रेट्स हैं, 1.5 करोड़ में बेच दिया आपको, कल वही प्रॉपर्टी आप बेचने जाएंगे आपको 1 करोड़ में बेचनी पड़ेगी। साथ ही DC रेट्स जो होते हैं वो अलग होते हैं, कराची के रेट्स तो DC के अलग ही चल रहे हैं, कम है कहीं ज़्यादा है। तो FBR में जो आप रेट शो कर रहे हैं, अगर 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है और मार्केट रेट के हिसाब से उसके रेट बन रहे करीबन 70, और FBR के हिसाब से बन रहे तकरीबन 70 लाख 73 लाख बन रहे हैं विदाउट डिडक्शन, विदाउट डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन जो लैंड पे होते हैं, तो FBR ने उनके डिडक्शन रेट्स दिए हुए हैं कि अगर 10 साल पुरानी बिल्डिंग है तो 10%, 5 साल है तो 5% जो कि लॉजिकल भी है, बिल्डिंग है कोई ताक अहमद रहने वाली चीज़ तो है नहीं, तो उसने भी ख़त्म होने हैं, जिलजिले आते हैं, आपको भी पता है मुझे भी पता है, तो उसमें आंखें बंद करके फैसला करने की या सोचने की चलने की ज़रूरत तो नहीं है, क्योंकि उसने भी ख़त्म हो जाना है। सीमेंट आप लगा दें, प्लास्टर लगा दें, लीकेजेस होते हैं, इसका मतलब बिल्डिंग ख़त्म हो रही है वक्त के साथ। नई बिल्डिंग बनी उसमें शुरू के 5 साल कोई डेप्रिसिएशन नहीं होता, नहीं है तो वैल्यू उसकी फुल पे काउंट होती है। तो इस हिसाब से रिडक्शन मौजूद है, 73 लाख है, 10 साल पुरानी बिल्डिंग है, 73,000 10% के हिसाब से कम होगा तो अराउंड 72 लाख समथिंग वैल्यू आ जाएगी उसकी। उसको आप अपने FBR की वैल्यूएशन में शो कर सकते हैं जो कि लॉजिकल और रीज़नेबल और एक FBR के अपने प्रोवाइडेड रेट्स हैं तो वो बेहतर होते हैं। अगर कोई लोग डिक्लेयर कर रहे हैं कि हम अपने वाइट मनी डिक्लेयर कर रहे हैं, मैंने 50 लाख की प्रॉपर्टी खरीदी है, वहाँ आप दिखाना आपके लिए लाजमी है क्योंकि वो आपका पैसा वहाँ लगा हुआ है। लेकिन जहाँ पे आप 1 करोड़ की प्रॉपर्टी को वैल्यू अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं मार्केट रेट पर, और आपने ख़रीदी उसको 30 लाख रुपए की रियाद से 10 साल पहले, आज आप कह रहे हैं मार्केट रेट 1 करोड़ चल रहा है 2 बेड 3 बेड के वॉट एवर कोई भी इलाका है, तो FBR में जो आप रेट शो करेंगे, अगर आपने अपनी वाइट वेल्थ या आपने वैल्यूएशन शो करनी है करेक्ट, तो आपने जो उस टाइम वेल्थ खरीदी थी उस अमाउंट पर 30 लाख तो शो करेंगे, लेकिन साथ ही आपने अगर वैल्यूएशन को आपने बढ़ा के दिखाना भी है, अगर आपकी वेल्थ ज़्यादा है और आप अपने वेल्थ को इन्वेस्टमेंट में वाइट में शो करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे आपको 73 लाख या FBR प्रोवाइडेड रेट्स दिखाने ज़्यादा बेहतर है। अगर वजह इसके कि आप 1 करोड़ डायरेक्टली इनपुट कर दें, हाँ 1 करोड़ के डाल दो, 30 साल पहले खरीदा था आज 1 करोड़ का हो, तो वो इलॉजिकल भी है, नॉन जस्टिफाइबल भी एक हद तक कहा जा सकता है। जब 70 लाख 72 लाख FBR चला रहे हैं, 20-25 लाख ऊपर आप दिखा रहे हैं, तो वहाँ ऊपर पे कर रहे हैं, तो वो आपके लिए फिर एक क्वेश्चनेबल भी है कि वो डॉक्यूमेंट जब आपने परचेज़ किया था 30 लाख का, आज दिखा रहे हैं 1 करोड़ रुपये वैल्यू में, तो वो वैल्यू का क्या बेसिस है? अगर FBR के देखें बस बेसिस है कि आज मैंने दिखाया था क्योंकि इसकी मार्केट वैल्यू ये चल रही है इरिस्पेक्टिव ऑफ द हाई मार्केट रेट्स। तो और प्लस आप अगर वेल्थ इतनी ओन करते भी हैं, ऐसा नहीं कि आपके जेब में पड़े 50 लाख रुपए सारी वेल्थ में 70 लाख की प्रॉपर्टी दिखाएं, वो आपके लिए बेवकूफ़ी भी होगी। अगर आपने इतना कमाया है और आपने उस प्रॉपर्टी में इतना रेनोवेशन, इतनी चीज़ें, इतने सब कुछ लगाया हुआ है, उसको प्रॉपर स्ट्रक्चर मेंटेन किया हुआ है, 30 लाख की है तो अच्छे खासे पैसे लग चुके हैं उसमें आपके, हर साल कैपिटल एक्सपेंडिचर आपका हुआ है इसमें, तो आप उसको 70 लाख के उसमें शो कर सकते हैं, और आपके पास उसकी प्रॉपर रसीद और सब हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इसमें शो नहीं होंगे,
क्योंकि आप उसके असेट की लाइफ बढ़ा रहे हैं, तो ये सब से होगा। ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं, ये मैटर करते हैं, तो वहाँ पे आप उसको लेके जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने 20 साल में तकरीबन 10-20 लाख का खर्चा किया 30 लाख की प्रॉपर्टी में, आज उसकी वैल्यू 50 लाख आपको पड़ रही है, FVR रेट दे रहे हैं 72 लाख रुपीज़, तो आप उसको अराउंड समथिंग 50 लाख दिखा सकते हैं, जो कि लॉजिकल है। लेकिन अगर आप उसको 72 लाख भी दिखा रहे हैं तो वो भी एक गलत नहीं है, उसकी भी आपकी इतनी वैल्यूएशन है, आप मार्केट में आज उसको इतना ओन कर रहे हैं वो आफ्टर डेप्रिशिएट करते हुए। तो साथ ही अपने बैंक बैलेंसेस में प्रॉपर अकाउंट दिखा रहे हैं आप उसको, प्रॉपर चीज़ें शो कर रहे हैं, तो आपकी चीज़ें इसमें रिकनसाइल हो रही है। आप जितना अर्न कर रहे हैं आप उसमें टैक्सेस पे कर रहे हैं, और अगर आपका रिकनसिलेशन वहाँ मीट कर रहा है, प्रॉपर रिकनसाइल हो रहा है, तो वहाँ पर कोई मैटर नहीं करता। बजाय इसके कि आप ओवर हाइप दिखाएँ या बिल्कुल ही अदर अंडर द वैल्यू दिखाएँ, 90,000 रुपये की प्रॉपर्टी खरीदी आज से 20 साल पहले, मार्केट में 80 लाख रुपए की बिक रही है, आप उसको FVR में 90,000 रुपए का दिखा रहे हैं, तो ये भी इलॉजिकल है। क्योंकि बाकी के जो आपने उससे रेंटल इनकम कमाई है, किराया भी दिया हुआ था आपने, आप रहे हैं काफ़ी टाइम, आपने वहाँ पे एक एक्सपेंसेस किए हैं, मेंटेनेंस का काम किया है वहाँ पे, इतना रिकंस्ट्रक्शन किया है, और उसको 5-10 साल रेंट पे दिया, रेंटल इनकम कमाई है, तो वहाँ पे अगर आप उसको 90,000 रुपये की प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं तो वो लॉजिकल नहीं होता। क्योंकि FVR अगर वैल्यू करने जाएगा तो वहाँ पे 1900 रुपये या 2000 रुपये का रेट चल रहा है इलाके में, और वो 1000 स्क्वायर फीट की प्रॉपर्टी है, तो 1000 स्क्वायर फीट इंटू 2000 आप करेंगे तो तकरीबन ये आपके बन जाएंगे 20 लाख रुपए, और आप उसको शो कर रहे हैं 1,90,000-1,00,000 रुपये की, तो इतना भी वो अंडर वैल्यूड नहीं लेके चलना चाहिए, आपको रियलिस्टिकली लेके चलना चाहिए। आपने जो रेंटल इनकम कमाई है अपनी प्रॉपर्टी से, जो आपने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की है प्रॉपर्टी में, जो रिकन्स्ट्रक्शन की है उसकी लाइफ वैल्यू बढ़ी है, बिल्डिंग में रह रहे हैं, बिल्डिंग में मेंटेनेंस दे रहे हैं, तो वो आपके वैल्यू में इजाफा कर रहे हैं, वो आपको प्रॉपर कनेक्शंस, प्रॉपर चीज़ें, प्रॉपर एडिशन टू योर प्रॉपर्टी कर रहे हैं, सो योर वैल्यू शुड बी मेंटेन इन द रियलिस्टिक मैनर, नॉट क्या 20 लाख फुल देखें। अगर FVR 20 लाख पे चल रहा है लेकिन आपने जो मेंटेनेंस किया, हो सकता है 20 से ऊपर निकल जाए, फिर मार्केट वैल्यू आप करीब पहुँच जाए 40 लाख के चल जाएगा, आप हर साल उसमें 50,000 का एक्सपेंस कर रहे हैं, पिछले 20 साल से आपने रखा हुआ है, तो तकरीबन साल के आपने तकरीबन 5-10 लाख के करीब तो आपने उसको सीधा सीधा एक्सपेंसेस किए, तो 11-12 लाख में आप उसको दिखा सकते हैं 20 साल के करीब, और आफ्टर डेप्रिसिएशन 20 साल में डेप्रिशिएट भी हुई है, फिर 20% डेप्रिसिएशन भी अलाउ है, तो तकरीबन जो है वो 15 तकरीबन आपका ये हो गया 20 लाख का, आपका तकरीबन 4 लाख रुपये आपके इसमें कम हो गए, तो 16 लाख के करीब उनकी वैल्यू बनती है, आप दिखा रहे 12 लाख 11 लाख, मतलब उसमें आपने एडिशन किए होंगे, इसी वजह से वो प्रॉपर्टी आज इस वैल्यू पे खड़ी है। तो वहाँ यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा सबको कि आप एक्चुअल और रियलिस्टिक लॉजिकल प्राइस विद और रिसिप्ट एंड प्रूफ दिखाएँ, ताकि आपको भी आगे प्रॉब्लम ना हो, और जिन ऑफिसर्स के पास रिटर्न जाए उनको भी समझने में है, कैलकुलेशन में किसी किस्म की प्रॉब्लम ना। थैंक यू।